चलिए बात करते हैं संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब बताएंगे हल्दी के औषधीय गुण। तो डॉक्टर साहब, वैसे कहते हैं हल्दी जो है एंटीसेप्टिक होती है, बहुत फायदेमंद होती है, और जब चोट लग जाती है तब भी हल्दी का दूध देते हैं कि दर्द ना हो और उससे हम बाहर निकल सके दर्द की समस्या से। और क्या फायदे हैं? बिल्कुल, एक तो आपने फायदा बताया कि चोट लग जाए शरीर में कहीं भी, अंदरूनी चोट हो, गुम चोट जिसको बोलते हैं, तो हल्दी वाला दूध उसमें पिलाया जाता है। लेकिन बाहर भी आपको चोट है, जख्म है, जल गया है, कट गया है कुछ, तो तेल या घी में हल्दी मिला करके पेस्ट बना लीजिए और वहाँ उसको लगाइए, बहुत अच्छा हीलिंग का काम करती है। इसके साथ साथ अगर आपकी हड्डियाँ कमजोर हैं, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम आपको है, तो हल्दी वाला दूध बहुत फायदा करता है। हल्दी वाला दूध बहुत सारे रोगों में काम करता है, लेकिन मुख्य रूप से आपको अगर हड्डियों की कमजोरी है, क्योंकि दूध में कैल्शियम भी होता है, तो एक कप दूध में 1/4 टीस्पून हल्दी डाल करके रात को आपको पीना चाहिए, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। पेट में कीड़े अगर हों उसके लिए भी हल्दी का प्रयोग आप कर सकते हैं। 1/4 चम्मच यानी कि चुटकी भर थोड़ा सा हल्दी भोजन से पहले दिन में 2 बार पानी में घोल करके आप पिए, तो उससे पेट के कीड़े भी आपके नष्ट होते हैं। जोड़ों के दर्द में भी हल्दी बहुत अच्छा काम करती है। हल्दी और मेथी दोनों को बराबर मात्रा में उसका चूर्ण मिला करके मिक्सचर बनाएं और सुबह शाम 1-1 चम्मच गुनगुने पानी से आपको सेवन करना चाहिए, उससे आपके जोड़ों के दर्द में बहुत लाभ मिलेगा। और जो लोग डायबिटीज से पीड़ित है, मधुमेह के जो रोगी है, उनके लिए या तो आंवले का रस ताजा निकालें बड़ा चम्मच, एक उसमें 1/4 चम्मच हल्दी मिला करके सुबह शाम दोनों टाइम आप लें, तो उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। हल्दी के और भी बहुत सारे गुण हैं, लेकिन हल्दी का प्रयोग आपको रेगुलरली करना चाहिए। आजकल बड़ा पॉपुलर है हल्दी, खास तौर पर विदेशों में हल्दी के कैप्सूल आजकल बहुत चलते हैं। हमारे यहाँ जीवा में भी हम बनाते हैं हल्दी के कैप्सूल्स, वो आप मंगा सकते हैं, उनका सेवन कर सकते हैं, या हल्दी घर में होती है उसका भी आप सेवन कर सकते हैं, क्योंकि कैप्सूल में थोड़ा सा उसकी पोटेंसी को बढ़ाया जाता है, एक्सट्रैक्ट निकाल करके उसके कैप्सूल्स बनाए जाते हैं, वो बहुत फायदा करते हैं और एक तरह से औषधि का ही काम करते हैं।